विषय पर हमको यही सकते हैं कि उन्होंने जो हमें मूल मंत्र दिया था कि शिक्षक बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा रहता है। जब हम यहाँ पे हमारे यहाँ के समाज रहा है वो चलता रखना चाहिए। इसी कड़ी में मैं शिवकंद चंद्रा, चेयरमैन अम्बेडकर मिश्र सोसाइटी। आज हमारे सभी सामाजिक संगठनों ने आपस में मिलकर इस देश के, इस संसार के विश्व रत्न, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रतिमा के ऊपर हम सभी पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जैसा मैंने जिक्र किया, उसे दुनिया का सबसे सुलझा हुआ अर्थशास्त्री कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र में कम से कम 5 डिग्रियां की हुई थी और एक डिग्री उनकी ऐसी है जिसे 97 ईयर हो गए हैं, कोई भी भारतीय उस डिग्री को नहीं कर पाया। और विश्व में जितनी डिग्रियां उनके पास थी वो किसी के पास नहीं है। और जो घर में उनका पुस्तकालय था, अगर आप इतिहास को पढ़ें तो उनके घर ही उनका पुस्तकालय था। 35,000 किताबें थी और इतना पढ़ने में वो रुचि रखते थे। उसी का परिणाम है कि संविधान सभा ने उन्हें ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया और संविधान बनाने में उन्हीं का योगदान रहा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कार्यक्रम कर रहे हैं। वो अक्सर कहते हैं कि अम्बेडकर ने, जब कलम की ताकत उनके हाथ में आई और बचपन से लेकर उनका जो जीवन आगे आया कि किस तरह से पढ़े, किस तरह से स्कूलों में गए, किस प्रकार का व्यवहार हुआ, किस प्रकार की कटुता उनको सहन करनी पड़ी। आदमी का स्वभाव रहता है जब अवसर मिलता है कि अब मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिन्होंने इस देश के लिए, इसमें समाज में विषमता फैलाई है, तो मैं उनको कुछ ऐसा प्रधान बनाऊं कि उन्हें कठिन लगे, उन्हें दंड मिले। लेकिन ये कार्य सिर्फ एक इंसान का हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महामानव थे। वो इन चीज़ों से हटकर, आप पूरा संविधान पढ़ें, पूरे भारतीयों के लिए एक समान संविधान है। कहीं उस कटुता का उनके अंदर कोई भाव नहीं है, बल्कि इस देश के अंदर पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग या गरीब वर्ग, उनको ऊपर उठाने के लिए कई प्रावधान किए, तो सबको साथ देने का प्रयास किया। जिस प्रकार हम जब कभी खाना खाते हैं तो दांत में कोई चीज़ लग जाती है या जीभ कट जाती है तो हमें गुस्सा आता है, दांत तो काटते नहीं हैं। जीभ भी अपनी है, दांत भी अपनी है, स्वर्ण भी अपने हैं, दलित भी अपने हैं। इस भाव को लेकर बाबा साहब भीमराव ने, अम्बेडकर ने संविधान हमें दिया। हम इस संविधान को बचाना है, इसकी गरिमा को बनाए रखना है और सबको न्याय देना है, सबका विकास हो। इस कड़ी में हमारे जो जितने संगठन हैं प्रयासरत हैं और जनता को वो जागरूक कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज राष्ट्र इस महामानव को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां रह रहे लोगों को वो न्याय दे और उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें वो पूरा करें, ताकि देश आगे बढ़े, संविधान आगे, संविधान की सुरक्षा हो। इसी में मायने उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती हैं, क्योंकि बाबा साहेब सहसा आज तक विश्व के अंदर कोई दूसरा मानव हुआ ही नहीं है। धन्यवाद। जय भीम। पुष्पांजलि है ना, वही महाराज जी भाई। निकली आए साहब वो पीछे। भारत कृतज्ञ राष्ट्र आज ने भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। थोड़े भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की
प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप सभी का आज के श्रद्धांजलि समारोह में हार्दिक भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अर्थशास्त्री विचारक राजनीतिज्ञ और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में जन्मे डॉक्टर साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दलित बौद्ध अभियान को आगे बढ़ाया और एक समान मानव अधिकारों के लिए अथक प्रयास रख रहे। जिला के अंबेडकर सोसाइटी के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारीगण, अनुसूचित जाति जनजाति बोध सभा के प्रतिनिधिगण पुष्पांजलि भेंट करते हुए 64वीं पुण्यतिथि पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नमन कर रहा है। जाने वाले डॉक्टर साहेब अंबेडकर जी का यहाँ पर आज भी मनाया जा रहा है कि प्रमुख सिद्धांत में एक है मुक्ति मार्ग, महा दलित समाज की भूमिका अदा करने वाले बाबा साहेब को आज पुष्पांजलि। थोड़ा सामने करो। सांगे झदा झोगे छो नामला छंजू पातो दानी जसु छ दागे जिंदो जे बे सोनम गे डल भजे संगे डुबा छो ओ माने बे मौरे माने बे मौरे माने बे मौरे ओम आ हूं बेदा गुरु बे मसी दे हो महा बेदा गुरु बे मसी दे जा बंद भल गटे छ ते मा जुगे कोला दे तू मैं ताता लो न संभव कर न दो गे रुम चला छवा के खा न जा पूछो। नमस्ते जी मोहतरमा जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता अमर रहे। संविधान निर्माता अमर रहे। मेरी सबको जय भीम जय भीम जय भीम। मेरी सबको जय भीम जय भीम जय भीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता अमर रहे। संविधान निर्माता अमर रहे। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। दलितों के मसीहा अमर रहे। दलितों के मसीहा अमर रहे। नारी शक्ति के मुक्तिदाता अमर रहे। नारी शक्ति के मुक्तिदाता अमर रहे। संविधान निर्माता अमर रहे। हमारे संविधान निर्माता और एक महान भक्त बाबा भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में हम आज सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिला प्रशासन और अम्बेडकर सोसाइटी चंबा के सारे लोग, और यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत थे जिन्होंने जो हमारा संविधान है उसके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, तथा जो दलित समाज था उसके उत्थान के लिए और उनके उनके साथ जो भेदभाव होता उसको खत्म करने के लिए आवाज़ उठाई और एक सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने। आज इस उपलक्ष्य में मुझे लगता है हमें उनके जो मूल्य हैं उनको याद करने की आवश्यकता है, ताकि समाज में सभी वर्ग हैं उनको एक समान देखा जाए, उनके साथ जो है बराबरी का व्यवहार किया जाए।
और उनके मूल्यों को अपनाकर ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। प्रणाम। हम बुद्धिस्ट होने का क्या मतलब है कि हम इंसान होना जरूरी है। किसी ने मुझे बोला कि तुम किस लिए जा रहे हो, तुम धड़ोक वाले हो। मैंने कहा हाँ मैं हूँ। किस लिए? हम इंसान होने का जरूरी है, ना कि हमारा इसमें भेदभाव होना चाहिए। ये है कि हम लोग बुद्धिस्ट किस लिए होते हैं? इंसान बनने के लिए, ना कि इसमें जाति आते है, ना इसमें धर्म। ये चीज़ नहीं आना चाहिए। सबसे प्यार से रहना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए। मैंने कहा मैं इंसान हूँ, इसलिए मैं सभी के साथ जाती हूँ। धन्यवाद। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, भारत रत्न और नारी के मुक्तिदाता, जिन्होंने आज के दिन इस नश्वर शरीर को त्यागा था, जो भी उनके बाल्यकाल से लेकर के अंतिम समय तक का समय रहा, वो समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस भारत देश के लिए जिया, भारत में बसने वाले हर नागरिक के लिए जिया, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए जीवन जिया, पढ़ाई के माध्यम से ये देश में आगे बढ़ते चले गए। एक एक परेशानी को बाल्यकाल से देखते हुए अंतिम समय तक जो कठिनाइयां मानव समाज में उन्हें नजर आई, इस देश की उन्नति और तरक्की के लिए जो कार्य किया जाना था वो उनके जहन में रहा। जब उन्हें संविधान कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने उन सब बातों को संविधान में कलमबद्ध किया। जो आज पूरा भारत देश उस संविधान के अनुसार जीवन जो है यापन कर रहा है, सरकारें चल रही हैं, नीतियां बन रही हैं, नियम जो है लागू हुए हैं, सरकारें जो मर्जी रहें परंतु संविधान की अनदेखी कोई नहीं कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हर एक इंसान के लिए जीवन जिया और बहुत थोड़ा समय वो इस संसार में रहे, परंतु वो मिसाल, वो देन इस भारत को दे करके गए कि सदियां सदियां भी जो इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो देन को है भुला नहीं सकती हैं। मैं इस अवसर पर जहां हमने इस महामानव को इस दिन खोया था, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपने समाज और भारत देश में हर एक बसने वाले नागरिक से ये निवेदन करता हूं कि मानव समाज के लिए जीवन जिए, उत्थान के लिए जीवन जिए, कहीं भी किसी का जो उपहास ना हो, हर एक सर उठा करके जीवन जी सके। धन्यवाद। जय भीम। जय भारत। योगेश्वर अम्बेडकर मिशन सोसाइटी जिला चंबा। आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। हम एक ऐसी शख्सियत को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने ना केवल संविधान दिया है बल्कि सभी शोषित वर्ग, जो भी जहाँ उनको ये लगा कि जो वर्ग शोषित हो रहा है उसके लिए उन्होंने कार्य किया है। और संविधान में इसका स्पेशल प्रोविज़न रखा गया है कि कानून के दायरे में रहकर ही सारी हमारी जो सीमाएं है उसको निर्धारित किया गया है, और एक ऐसा संविधान दिया है जो कि ना केवल हमारे देश में ही बल्कि विश्व में भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और उसकी अनुपालना करना हमारा कर्तव्य है। जो भी आज हम ये हमारी जो दिनचर्या में है, जो भी कार्य किए जा रहे हैं, चाहे प्रशासनिक तौर पर किए जा रहे हैं,
चाहे शिक्षा के तौर पर किए जा रहे हैं या कई योजनाएं ऐसी हैं, वो सारी योजनाएं जो हैं वो संविधान में निहित हैं, पहले से ही वो दर्शाई गई हैं। जैसे अगर हम ये मिड डे मील या आजकल जो योजनाएं चली हुई हैं RTE के अंतर्गत जो 14 वर्ष तक जो है जो अनिवार्य शिक्षा की गई है, वो सभी प्रावधान जो है पहले से ही संविधान में किए जा चुके हैं और आज उसकी अनुपालना अक्षरशः की जा रही है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि संविधान के प्रति हम अपनी निष्ठा दर्शाएं और आज हम सभी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, अम्बेडकर मिशन सोसाइटी जिला चंबा, गुरु रविदास सभा चंबा और हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जिला चंबा की जो कार्यकारिणी वो और बाकी सभी संस्थाएं जो है उनको एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम ये आज ये प्रण लेते हैं कि जो भी संविधान में निहित है उसके अनुसार हम कार्य करें और उसके अनुसार ही हम उसका पालन करें, यही हमारी मनोकामना है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय भीम। चलो चल भाई ना ना रहा तो अपना ख्याल रख। चलो आइए सारे आइए। मैं जितेश्वर सूर्य, महासचिव रविदास कम्युनिटी हेल्पलाइन सेंटर जिला चंबा, आज इस महामानव के महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। एक ऐसी शख्सियत हमारे भारत में जिसने न केवल दलितों के लिए बल्कि हर शोषित वर्ग, वो चाहे दलित है या पिछड़ी जाति से है या महिलाएं हैं, सबके लिए निर्विरोध रूप में कार्य किया और ऐसा संविधान भारत को दिया जिसकी आज पूरे विश्व में प्रशंसा की जाती है। इस संविधान में निहित जो भी अधिकार शोषित वर्गों को दिए गए हैं, महिलाओं को दिए गए हैं, उन अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। और मैं अपने सभी साथियों से, हर वर्ग के साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि हम बाबा साहब के द्वारा संविधान में निहित अधिकारों का, कर्तव्यों का वहन करें, उनकी रक्षा के लिए आगे आए, ये प्रण लें कि हम संविधान की हर कीमत पर रक्षा करेंगे और इसमें दिए निहित कार्यों और इनके कर्तव्यों का हम पालन करेंगे। जय भीम, जय भारत।